नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला एवं सत्र न्यायालय में आज बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग, बैंक व अन्य लंबित मामलों का निराकरण किया गया। किसानों की समस्या का भी निराकरण किया गया। रीवा में एक तरफ सरकारी तंत्र के माध्यम से कई तरह की व्यवस्थाओं का निराकरण कराने का प्रयास कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर देखें तो सरकार की योजना, सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इंडिया न्यूज 28 की टीम जब जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंची तो कुछ लोगों ने मीडिया के समक्ष अपनी समस्या का जिक्र किया, जहां किसान खुद को इतना बदनसीब समझ रहा है कि अपनी पीड़ा व्यक्त करते करते किसान की आंख में आंसू आ गए। भारत में किसान रो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। योजनाओं का लाभ मात्र करोड़पति लोगों को मिल रहा है। क्या यही है डिजिटल इंडिया? अब जनता की बताएं तो ये डिजिटल इंडिया है या रोता हुआ भारत, रोता हुआ किसान? रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आज रीवा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें बैंक, बिजली व अन्य संकाय के प्रकरणों का, लंबित प्रकरणों का उचित निराकरण किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं, सारे जितने बैनर लगे हुए हैं, जितने भी संस्थाएं यहां पर निराकरण करने के लिए आई हैं, उन सारी संस्थाओं का हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? हर्षवर्धन सिंह तिवारी, बतौनी मऊगंज। मऊगंज, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हमारा ये केसीसी का कब्जा है। अच्छा, उसको देखने आए हैं पठानी, तुर्की भेजा है इन्होंने। और सरकार कहती है कि हम कर्ज मुक्त करेंगे किसान को, और आज तक कभी किसी को कर्ज मुक्त नहीं किया। बड़ी बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों, माने करोड़ रुपए, लाखों करोड़ करोड़ बकाया उन्होंने माफ़ कर दिया है अंडानी अंबानी का, और किसानों के लिए उनका बोली नहीं है। किसान गेहूँ अपना दोस्त 1000 रुपये क्विंटल और धान देता है, जो कि लागत उसका पूरी नहीं हो पाती, तो इस सब स्थिति में वो कैसे पटाए। खासतौर से हमारे एरिया में ऐसी स्थिति है कि पहाड़ के नीचे मेरा गांव, और जितने ही आरा जानवर हैं दूसरे जगह से ले जा करके वहाँ लोग छोड़ देते हैं। अब वो मवेशी पूरे ऊपर से जब कुछ उनको चरने के लिए, खाने के लिए नहीं होता, तो सब नीचे हमारे गांव में सब चले आते हैं, और रात दिन वो हमारे फसल को चर कर नष्ट कर जाते हैं। इस तरीके से अगर हमने कर्ज ले लिया है पटाने के लिए इसके लिए, क्योंकि इसके पहले हमने जो कर्जा लिया था 3 साल 4 साल तक लगातार साल दर साल में पटाता रहा, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि पशुओं के कारण, आवारा पशुओं के कारण हमारी फसल पूरी चर की जा रही है और नष्ट हो रही है, और मैं कर्जा नहीं पटा पा रहा। आपने ये कहा कि पशुओं के कारण फसल नष्ट हो रही है, अभी तो सभी को ये मालूम है कि रीवा के वर्तमान कलेक्टर महोदय द्वारा एक ऐसा नियम निकाला गया है कि जो भी आवारा पशु हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और मालिकों के ऊपर कार्यवाही की जाए और किसानों की खेती बचाई जाए। तो ये आदेश क्या केवल कागजों में हुए हैं? कागजों में है, इसलिए कि जो पशु घूम रहे हैं ये कौन बता सकता है कि किसके पशु हैं? जैसे मान लीजिए 200 भी है, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, 200-250 पशु है। अब कौन बता सकता है कि किस किसान के या किस मजदूर के ये पशु हैं?